वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो हमेशा की तरह एक गांव से संबंधित आज फिर से, जैसा कि अभी मैं आ गया हूं डायरेक्ट स्कूल से खेत की साइड में, और मैं देखने आया हूं कि जो खेत में गेहूं का जो खेत है, तो वो गेहूं कितने बड़े हो गए हैं। मैं नहीं आया था, मुझे इतना पता था कि खेत में गेहूँ बो दिया गया है और शायद सिंचाई भी की गई है। चल के देखते हैं कि खेत में कैसे क्या है साहब। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने खेत में। ये है गेहूं का खेत, ये देखो यहां से वहां तक पूरा है। अभी यहां पे ये जगह खाली क्यों है पता नहीं यार। यहां पे गेहूं शायद सही से जमा नहीं है, या फिर बीज की कमी हो गई होगी, या फिर कोई और इशू हो सकता है। और खेत की मेड़ है, इस पर चलना बहुत आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ चलने की। ये है गेहूँ जो खेत में लगा हुआ है अभी। ये वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये यहाँ इस साइड में, और ये खेत मेरा। गांव में आप लोग माने या ना माने यार, वाकई में अगर आपको सुकून ढूंढना है अलग कहीं अकेले, तो कभी भी आप टेंशन में हो या फिर कुछ ऐसा फील करें, तो आप अकेले आ जाइए, आराम से खेत में बैठिए। जब कभी मैं ज़्यादा टेंशन में होता हूँ या फिर मुझे अजीब सा लगता है, जैसे कि आज कुछ मुझे लग रहा था अजीब सा, तो मैं चला आया अपने खेत की साइड बिल्कुल फ्री माइंड से, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना कुछ, और नेचर से बात करो, प्रकृति से अपना उसी में बैठ करके शुद्ध ऑक्सीजन आप लो, बिल्कुल गजब वाली फीलिंग यार। ये चीज़ जो है आपको सिटी में कतई मिलने वाली नहीं है। गांव की लाइफ बहुत अच्छी होती है वाकई में, और जिनका घर दोनों जगह पे हो तो वो तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। लगातार पानी यहाँ पे गिरा होगा सिंचाई के लिए, इसीलिए यहाँ पे जो है गड्ढा हो गया, लगातार पानी गिरने की वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया। ये बबूल का पेड़ है, अब यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे जो कि खेत से संबंधित हैं, और बैकग्राउंड में आपको खेत दिख ही रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ये मेरे पापा लोग की मेहनत है जो इतना हरा भरा खेत करके, जो है दिन रात एक करके खून पसीने की मेहनत लगा करके जो खेतों में काम करते हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और अच्छा लगता है। करीब 70% से ज़्यादा ही लोग जो है डिपेंड करते हैं, अपना जो है व्यवसाय उनका कृषि ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। अंकल जी के लड़के का है ये जो है गन्ने का पेड़, और ये भी जो सरसों का जो है सामने लगा हुआ है, ये भी सरसों जो है फैमिली का ही है। और वहाँ फ्रंट पे जो है जो रोड गई है एक, जो कि दूसरे गांव से कनेक्ट करती है, मेरे गांव के साइड ही जाती है। और यहाँ तो मेरी FG खड़ी है, FG भी एक नॉर्मल सी ये वाली जो रोड है, FG के आगे से जो रोड है नॉर्मल वाली, ये भी आगे वहाँ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आराम से आप आ सकते हैं, मेरा 500 मीटर घर यहाँ से हो। ये सरसों जिसे तिलहन निकाला जाता है, तिलहन के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनके ऊपर अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, मतलब तिलहन कैसे निकाला जाता है सरसों से। तो यही ये उसके फूल ही हैं, ये उसके फूल हैं। और फाइनली हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली अपने इंडिया में मैक्सिमम लोग डिपेंड करते हैं खेतों पे ही। ये सेमल का पेड़ है, गांव में इसे सेमभर का पेड़ कहते हैं, सेमभर। और कुछ जगहों पे तो इसमें जो फूल लगता है लाल कलर का, तो उसकी सब्जी भी बनती है। ये क्या बात है, बचपन में मुझे एक चीज़ ये याद है भाई, चुभ भी रहा है, चुभ भी रहा है।
बचपन मुझे याद है कि जैसे हम लोग इसको जो है निकाल करके इसे खाते थे, और ये बिल्कुल लाल लाल पान की तरह टेस्ट बढ़िया टेस्ट आता था इसका। ये देखो यहाँ पे इसको फोड़ा निकल आया है, इसे भी फोड़ा निकल आया है, क्योंकि इसे जो है तार से बांधा गया था, तो जब तार से बांध देंगे तो इसमें फोड़ा निकल ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये मेरे खेत में लगा है या फिर बगल वाले मतलब हरीश भाई के खेत में लगा, बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर पे है ये, मेड़ पे। और अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने बाइक के पास, तो यहाँ से निकल लेंगे। देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि खेत खलिहान कितना, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। कितना गजब का नज़ारा होता है गांव का यार, कितना प्यारा होता है यार शहर। तुम क्या जानो यार, आओ एक बार गांव में, कभी आओ घूमने इधर साइड में, गन्ने की साइड, गेहूं के खेत की साइड, मज़ा आ जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए रोड पे, अभी यहाँ से फटाक से निकल लेते हैं, फटाक से घर की साइड। जब स्टैंड हटाएंगे तभी स्टार्ट होगा, बिना स्टैंड हटाए स्टार्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात इसकी ये है। घर की साइड हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। खेत का सीन आपको देखकर ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।